कोडरमा लोकसभा से माले के प्रत्याशी हमारे साथ विनोद सिंह जी हैं। इंडिया अलायंस का जो आज कार्यक्रम था रांची में न्याय उलगुलान रैली, उसमें शामिल होने आए हैं। विनोद जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि किस तरीके का रिस्पॉन्स आपको कोडरमा में मिल रहा है? बहुत स्पष्ट हमने पहले भी कहा और बार बार कि कोडरमा की जनता ने भारी वोट दिया था, और जितना ही भारी वोट दिया था उनको भारी निराशा हाथ लगी है। आज 5 सालों के बाद भी कोडरमा के लोगों को सांसद से मंत्री के सफर के बाद भी उनके पास एक तस्वीर और 400 पार के अलावा कोई बात नहीं है जो कोडरमा के लोगों को याद दिला सकें कि एक प्रतिनिधि के लिए करें, चाहे वो प्रवासी मजदूर हों, चाहे वो अभ्रक माइका से कोल से जुड़े हुए लोग हों, चाहे जिस विभाग के मंत्री हों, वहाँ तक नहीं। सच्चाई तो ये है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत आप मेडिकल कॉलेज की बात छोड़ दीजिए, आप डिग्री कॉलेज की बात छोड़ दीजिए, आप इंजीनियरिंग की छोड़ दीजिए, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत भी जो विद्यालय उत्क्रमित किए गए थे, 68 लाख रुपये जिनकी राशि दी जानी चाहिए थी, देना था केंद्र से, वह भी सबसे ज़्यादा बकाया जो है गिरिडीह ज़िले का है, गिरिडीह ज़िले को स्वीकृति नहीं मिली। तो कोई सवाल, कोई सारी चीज़ें नहीं है जो सवाल है, और इसीलिए जनता सवाल कर रही है लगातार, और उनके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। सुनील जी, अच्छी बात है कि आप मुद्दों को गिना रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये मुद्दे जो है लोगों के जहन तक पहुंच रहे हैं? क्योंकि मोदी ही मुद्दा बन गए हैं, और आपके जो विरुद्ध बीजेपी की प्रत्याशी हैं अन्नपूर्णा देवी, वो तो नारा दे रही हैं कि कोडरमा में 10 लाख पार, यानी कि वो 10 लाख वोटों। लोग ही पूछ रहे हैं, उनके समर्थक ही पूछ रहे हैं कि मोदी के नाम, मोदी जी के नाम के अलावा 400 के आपको अपने गिनाने के लिए क्या। इसलिए ये तीसरा चुनाव है लोकसभा का, और ये लगभग हर जगह हर सीटों में यही स्थितियां हैं, उनके प्रत्याशियों को हर जगह जनता के सवालों का जवाब देना पड़ रहा है। और जब लोग सवाल कर रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि लोग सवाल कर रहे हैं, और उन समूहों से ही लोग, उन समाजों से भी लेकर के इवन कोडरमा और बरकट्ठा जिस इलाके ने सबसे ज़्यादा उनको प्यार दिया, सबसे ज़्यादा ये दिया भाजपा के, आज वहीं से ही सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। एक सवाल ये है, मैं जिन लोगों से बात कर पा रहा हूँ आपके लोकसभा क्षेत्र में, उन जो कॉमन लोग हैं जो पार्टी से आपके जुड़े हुए नहीं हैं, विनोद सिंह को लेकर के उनका तो एक जुड़ाव दिखता है, उनको लगता है कि नहीं, विनोद सिंह सच्चे आदमी हैं, सवाल करते हैं, जनता के मुद्दों की बात करते हैं, लेकिन आपके झंडे से उनको, आपके लाल झंडा से उनको थोड़ा तकलीफ है, उनको लगता है कि लाल झंडा जो है एक रुकावट जैसा है आपके साथ सीधे तौर पे जुड़ने से, उनको आप क्या अपील करेंगे? नहीं, बिल्कुल बहुत साफ है लोगों ने, इसीलिए मैं कहता भी हूँ लोगों से कि आने वाला कल क्या है वो तो दूर की बात है। चुनाव में प्रतिनिधि लोग जो भी होते हैं आने वाले के कल के बारे में बहुत सुनहरे सपने दिखाते हैं, लेकिन सभी का बीता हुआ कल आपके पास है, उनका भी बीता हुआ कल है, हम भी बगोदर विधानसभा से 3-3 बार हैं और हमारा भी बीता हुआ कल है, और उस आईने में देखेंगे तो फर्क बहुत साफ साफ चलेगा, चाहे बगोदर लोगों के विकास के सवाल को लेकर के, और सिर्फ विकास ही नहीं, नेताओं को वोट की तो जरूरत पड़ती है 5 साल में एक बार, लेकिन आदमी की परेशानियां, आदमी की दिक्कतें, सड़क पर जो है उनके सवाल है, वो 5 साल में देख करके एक नहीं होती है, वो जाड़ा गर्मी सुबह दोपहर बरसात हो, तो उन सवालों में, उन उनके दुख की घड़ियों में, उन परेशानियों की घड़ियों में कंधे से कंधा मिला करके कौन होते हैं। और लोगों ने देखा है कि तमाम बगोदर में जैसे जगह पे रहते हुए तमाम से इतर चुनावों के बाद वोट होते हैं, उसके बाद किसी भी दल का हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी का समूह हो, यही पहचान रहे हों, उनके वाजिब सवाल हैं, न्याय सवाल हैं, तो एक विधायक के रूप में हमेशा उनके सवालों के साथ खड़ा हूं, और यही बीता हुआ अतीत यही आज लोगों के लिए जो है वो उदाहरण बन रहा है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। विनोद सिंह जी को आप सुन रहे थे, जो अपना पक्ष रख रहे हैं, कोडरमा से लोकसभा के प्रत्याशी हैं। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन पीडीएफ।
झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार, 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स, 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18th अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। द फॉलो अप डॉट इन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in